अध्याय दो, भारत एक सामान्य परिचय। उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, वहीं राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता है। ये भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात कालांतर से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएँ और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूरब तक धनुषाकार बनावट लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। इसके उत्तर में अराकान योमा की पहाड़ियां हैं, जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। मानचित्र 2.1 में काली लकीर को देखें। काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची और दुर्गम पहाड़ी श्रृंखलाएँ शेष एशिया से भारत को अलग करती हैं। इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से उठती लहरें लगातार टकराती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद एवं दुर्गम्य है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इन्हें जाने द्वीप। महाद्वीप का एक भूभाग है जो चारों ओर से जलराशि से घिरा होता है, जैसे अंडमान महाद्वीप। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि ऐसा सतत विस्तृत और वृहत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। चूंकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता, एशिया और यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। इस परिभाषा के मापदंड पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को ही महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम ध्यान से संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका भी जुड़ा है। अतः यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और वृहत भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता रहा है उसे महाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप। भौगोलिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। जबकि ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल राशि हो प्रायद्वीप कहलाता है। मानचित्र 2.1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय की ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती तथा दक्षिणी भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती? उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता? ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, गंगा, यमुना आदि नहीं होती और न ही इनसे निर्मित विस्तृत मैदान होते। इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ।
इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। सोचने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से अभेद बनाती है, तो वे लोग यहाँ पहुँचे कैसे? उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य हैं, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटियां और दर्रे भी मौजूद हैं। चित्र 2.1। इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते भी यहाँ पहुँचे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के शान पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैल गया। इसका अभिप्राय यह है कि जहां भौगोलिक स्थितियां मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा कर सकती है, तो वही रुकावटें उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती हैं। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियां, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहां सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वही प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया।